Today we are going to discuss exercise 2.5, class 9th. So let us start. First question is that use the suitable identities to find the following products. You have to use the identities and you have to multiply these two expressions. So you have to x plus 4 x plus 10. You have to use the identity x plus a x plus b is equal to x square a plus b x plus a b. So इसमें आपको ये वाली identity use करनी है. X के place पे x रहेगा, a के place पे 4 आ जाएगा और b के place पे 10 आ जाएगा. तो ये x square हो गया plus 14x plus 40. I hope ये आपको easily समझ में आ गया. ये बिल्कुल easy है, same बस इसमें यही identity का use करना है. चलिए next question करते हैं. इसमें देखिए y square plus 3 by 2 y square minus 3 by 2. इसमें हम ये identity use करेंगे x plus y x minus y is equal to x square minus y square. X is equal to y square है और y is equal to 3 by 2 है. अब जहाँ पे x है x के place पे आप देख सकते हो y square है और y के place पे क्या है 3 by 2 है. अब इसमें कुछ नहीं करना, बस identity में put कर देना है x square minus y square. तो ये square का square हो जाएगा, ये y 4 हो जाएगा और ये 9 by 4 हो जाएगा. बस ये ध्यान रखना यहाँ पे y की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि ये पहले से स्क्वायर में है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी पार्ट्स इसके आप कर सकते हो. एक पार्ट हो रहा है 95 मल्टीप्लाई 96. इसमें आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4. इसमें हम ये आइडेंटिटी वही यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इसमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट करोगे 100 पुट करोगे, ए के प्लेस पर क्या पुट करोगे माइनस 5 पुट करोगे, बी के प्लेस पे क्या पुट करोगे माइनस 4. ये चीज़ ध्यान रखना कि ए माइनस 5 और ये बी ये माइनस में भी हो सकते हैं. जब ये माइनस में है तो माइनस में वैल्यू पुट करेंगे. अब सेम इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में पुट किया था वैसे इसमें भी ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और उसके बाद इसको सिंपली सोल्व कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 मल्टीप्लाई 96. इसमें हमने क्या किया 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4. इसमें ये आइडेंटिटी लग जाएगी और a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें और a के प्लेस पे 100 आएगा और b के प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा. उसके बाद आई होप ये यू नो एंड आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो देखकर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर सेम आएगा. इसके अंदर भी हमने क्या आइडेंटिटी यूज़ किया है आई होप ये आपको अच्छे से खुद सबसे समझ में आ जाएगा. ऐसे क्वेश्चन आपने एट क्लास में भी किए होंगे. इसमें सिंपली ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ किया है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, बीच में एक्स प्लस वाई आएगा. नेक्स्ट है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड स्क्वायर. इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स. एक्स के प्लेस पे एक्स रहेगा, वाई के प्लेस पे टू वाई आ जाएगा, जेड के प्लेस पे फोर जेड आ जाएगा. इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली वैल्यूज पुट किए, आप देख सकते हो सिंपली वैल्यू पुट किए हैं. वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली. बस थोड़ा ध्यान रखना ये इजी है, थोड़ा बड़ा लग रहा है पर ये है इजी. इसमें बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही करनी है. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. इसमें आपको फैक्टराइज करना था. अब इसमें फैक्टराइज के लिए अगर हम कोई दे रखा है, आप देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं. इसमें तीसरी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद बस कुछ नहीं किया, इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं. इसमें बस एक चीज़ है देखना, जैसे फोर एक्स स्क्वेयर को हम टू एक्स का स्क्वेयर होता है, नाइन वाई स्क्वेयर थ्री वाई का होता है, सिक्सटीन जेड फोर जेड का होता है. ठीक है, इसका बेसिकली स्क्वेयर है. अब देखो ये इसमें फोर जेड वाला माइनस क्यों आया, इसके पीछे एक ट्रिक होता है कि जेड वाला माइनस क्यों लिया है. आप ऊपर एक्सप्रेशन में देखो, ऊपर एक्सप्रेशन में वाई जेड और एक्स जेड वाले माइनस में है, वाई जेड वाला माइनस में और एक्स जेड वाला माइनस में है. तो दोनों में से कौन ऐसा जो कॉमन है जो दोनों में माइनस में है, तो जेड वाला है ना दोनों में माइनस में, इसलिए जेड वाले को माइनस में लिया. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.